فالعودية للإنسان ليس بها من كلمه فهيك تذكر جدا أبدا من الحقيقة وصوف ماتكا من جب انہوں نے لتا کنج کی اوٹ میں شیام کو دیکھا تو دیکھنے کے پشتا انہوں نے نیت برمود لیے پلکوں کا دیوار بند کر دیا اور وہ مطلب آنند میں نوم گئی جسے دھیان کا اثر کرتے یہاں پر ध्यान तो उसका दिया जाता है जो हमारे सामने न हो जब कोई सामने होगा तो हम उसका दर्शन करेंगे उसको देखेंगे उसके ध्यान की क्या आवश्यकता पर यहां तो श्री राम सामने है और सामने होते हुए भी सीता जी उनका ध्यान उसके मूल में कुछ संकेत और वो संकेत यह है कि जब भी हम सामने दिखेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा जिसे हम देख रहे हैं वो हमसे कितनी दूर खड़ा है और साथ साथ काल की भी एक सीमा होगी और व्यक्ति की स्वयं सामने देख रहे हैं पर वो सबके लिए संभव नहीं होता है ये हम जिसे सामने देख रहे हैं और विशेष रूप से जनक नंदिनी सीता की जो स्थिति है वह तो और भी हटपटी श्री राम उनके सामने वो उनके निकट तो नहीं जा सकते क्योंकि यदि वे निकट जाकर के श्री राम का दर्शन करें या वार्तालाप करें वो लौकिक मर्यादा की दृष्टि से इसे अनुचित माना जाएगा श्री राम के मानस से मर्यादा और प्रीत इन दोनों के सामंजस्य की चेष्टा की है उसका अभिप्राय यह है यद्यपि स्वाभाविक रूप से प्रेम के अतिरेक में मर्यादा नहीं रह जाती युद्ध जितना होते हुए अब उसको एक बड़े महत्व के सूत्र के रूप में आप देखें मर्यादा छोड़ना और बात है मर्यादा छोड़ना और बात है और मर्यादा का छूट जाना और बात है अगर कोई व्यक्ति यह मान करके कि जहां प्रेम होगा वहां नियम नहीं होगा वहां मर्यादा नहीं होगी और वो नियम और मर्यादा का त्याग कर दे तो वो तो बच्चों का प्रेम नहीं वो तो श्रृंखलता है इसका अभिप्राय यह है कि वो श्रृंखलता भी जो श्रृंखलता है उसको भी हम प्रेम का नाम दे सकते ये कह सकते हैं कि नहीं प्रेम में तो मर्यादा की कोई आवश्यकता किंतु सूत्र वही है कि वस्तुतः प्रेम में मर्यादा छोड़ी नहीं जाती है और जब तक संभव है तब तक उस मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए तो यहां पर भी जनक नंदिनी सीता उस मर्यादा का संरक्षण करती है अगर वे श्री राम के निकट जाए उनसे बातचीत करें तो प्राचीन काल में ऐसी भी परंपरा थी जो विवाह की अनेक विधियां थी उसमें जो गांधर्व विवाह था उसमें जो वर और भंजा एक दूसरे का निकट जाकर के स्वयं ही वर्ण कर रहे थे अब वो शकुंतला के प्रसंग में जो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह है वो इसी विधि से संपन्न हुआ किंतु श्री सीता जी और श्री राम का चरित्र तो मर्यादा में है और इसलिए
मर्यादा के नाते वे निकट नहीं जा सकते, और यदि वे निकट नहीं जा सकते हैं तो दूरी तो ध्यान का तात्पर्य क्या है कि हमें वैरव जगत में तो मर्यादित रहना है। मर्यादा का पालन बाहर व्यवहार में ही तो किया जाए। मर्यादा का पालन ये तो नहीं है कि व्यक्ति अपने अंतर जीवन में भी मर्यादा का ही पालन करे। आप स्वयं भी यही अनुभव करते हैं, आप निष्ठा वस्त्र पहन करके कैसे वस्त्र में किससे मिले, कैसे बातचीत करें, कैसे व्यवहार करें, मर्यादा का पालन करते हैं। और जब एकांत कक्ष में आप विश्राम के लिए जाते हैं तो क्या उन्हीं वस्त्रों को लाद करके कोई सोता है क्या? ये तो बड़ी बड़ा श्रेष्ठ वस्त्र है, तो वस्त्रों को तो उतार करके उसे कम से कम कर दिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए जाता है तब तो वो और भी अधिक उस सीमा में जाकर के ही स्नान कर सकता है कि जहां पर वो अपने आप को वस्त्रों से मुक्त करे। तो मानस में मानो सामंजस्य का रूप यह है कि वैरंग जगत में मर्यादा और अंतर जगत में हम प्रेम और भाव के लिए स्वतंत्र हैं। और उस अंतर जगत की विशेषता यह है कि बहिरंग जगत की जो दूरी है वह दूरी अंतर जगत में ध्यान के माध्यम से ही पूरी की जाती है। बाहर तो सीता जी देखेंगे तो श्री राम दूर है, लताओं की आड़ में सखियों के दिखाने पर देख रही है। तो ध्यान का एक उद्देश्य ये है कि उस दूरी को हम कैसे मिटा लें जो हमें ऐसी अनुभूति कराती है कि जो हमारा ध्येय है, जो हमारा प्रिय है वो हमसे दूर है। तो ये जो सूत्र है वो ध्यान का एक महत्वपूर्ण सूत्र है और इसीलिए वो दोनों का चिंतन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक और दो सीता जी जो है व्याकुल भाव से देख रहे हैं और वहां से जब वो गोस्वामी जी ने फिर वो संकेत दोनों संकेत कर दिया। प्रारंभ में मर्यादा का पालन और वो बहिरंग जगत में दूरी, और इस दूरी को मिटाने के लिए सीता जी अंतर हृदय में श्री राम को ले आते हैं। लोचन मग राम ही पूरा आगे और कितनी स्वतंत्रता है, सामने किसी से मिले भी बातचीत करे तो फिर वो तो एक मर्यादित भी आचरण हो तो। पर हम एकांत कक्ष में मिलन का जो दिव्य आनंद पा सकते हैं उस दिव्य आनंद की अनुभूति जिस संसार की उस पराकाष्ठा में होता है जहाँ पर गोस्वामी जी काव्य और दर्शन दोनों का सामंजस्य प्रस्तुत कर देते हैं। सीता जी नेत्र के मार्ग से श्री राम को हृदय में ले आती है और हृदय में लाने के बाद फिर पूजा ले आती है। जब हृदय में ले आई तो उसके पश्चात पूजन सत्कार जैसे की परंपरा। तो सीता जी जब हृदय में श्री राम को ले आई तो उन्होंने कैसे पूजन किया, या चंदन लगाया, या माला पहनाई, या भोग लगाया? गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया कि वो अंतर हृदय में श्री राम को लाने के बाद उन्होंने क्या किया इसको हम कुछ नहीं कहते। हम पहले में क्यों तीनों बलक कपाट सयान बड़ी सयानी, और वो सयानी श्री सीता जी ने पलकों का किवाड़ बंद कर लिया और उस कपाट के अंतराल में दोनों का जो दिव्य मिलन है वो मानो प्रेम की बात है। और उसके बाद बड़ी मीठी बात आती जब श्री सीता जी ध्यान में निमग्न हो गई तो भगवान राम की लता कुंज से निकल करके बाहर आ गए। भक्तों ने कभी कभी बड़ी विलक्षण व्याख्या की है कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो जो निर्गुण निराकारवादी संत है वो इसी पर बल देते हैं कि उस ईश्वर को बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता है, वो तो व्यक्ति के हृदय में ही है।
उसको हृदय में ही हम आकर के धन्य हो सकते हैं। और जो साक्षारवादी भक्त हैं वो कहते हैं भगवान का दर्शन और भावना है। तो यहाँ पर दोनों का सामंजस्य है। सृष्टिता जी अंतर हृदय में ध्यान करती है, और अंतर हृदय में ध्यान करने के बाद वो स्वामी जी ने दोष गए शब्दों की एक शब्द तो प्रसिद्ध था और एक शब्द उन्होंने साहित्य में और प्रस्तुत किया। तो वो अंतर्यामी भगवान ने ये तो सर्वत्र साहित्य में था, पर वो ईश्वर का बहिर्यामी नाम जो है वो कहीं साहित्य में नहीं। पर वो स्वामी जी ये कहते हैं अंतर्यामी कितना भी निकट क्यों न हो पर बहिर्यामी की आवश्यकता, और इसके लिए उन्होंने प्रहलाद का दृष्टांत दिया। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खंभे से बांध दिया और खंभे से बांध करके पूछा कि बता तू जिस ईश्वर की बात करता है वो तेरा ईश्वर कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो तो सर्वत्र रहता है, और यहाँ भी कह दिया कि वो तुम में भी रहता है और मुझ में भी रहता है। ये नहीं कि मेरे हृदय में रहता वो तुम्हारे हृदय में न रहता हो, खंभे में भी है, तलवार में भी है, उनमें भी है, हमें भी है। पर वो स्वामी जी बड़ी भाव कविता की भाषा में कहते कि भगवान जब प्रकट हुए तो वो खंभे से प्रकट हुए, हृदय से प्रकट नहीं हुए। वो स्वामी जी कवि रामायण में कहते प्रकटे प्रभु वाहन से न जिए थे, विचलित किया अक्सर बड़ा कठोर और हृदय बड़ा कोमल। पर उन्होंने कहा कैसे विचित्र बात है, हृदय वाला ईश्वर प्रकट नहीं हुआ और पत्थर वाला ईश्वर प्रकट हो गया, जिसने अंतर जाम से बड़ो बाहिर जामी है राम, ऐसा वो स्वामी जी ने काव्यरस के संदर्भ में कहा। और स्वाभाविक है अंतर यानी का आनंद एक ही व्यक्ति लेता है, पर जब वो वही आदमी होता है तो अनेक लोग उसके दर्शन से आनंदित हुआ करते हैं। सूतिश्री का प्रसंग जो ध्यान के संदर्भ में बताया गया था वहां पर भी सूतिश्री की यहाँ की अंतर्यामी भगवान हृदय में और बाहिर्यामी राम बाहर, और बाहिर्यामी राम जो है अंतर्यामी डूबे अंतर्यामी में डूबे हुए सूतिश्री को जगा रहे हैं। मानो जो अद्वैत तत्व है उसमें दो रूप, उसको हम अंतर्यामी माने कि बहिर्यामी माने, और उसका एक ही उपाय है। उसको आप ये विवाद करने की आवश्यकता नहीं है कि वो अंतर्यामी है तो केवल अंतर में उसे देखा जाए, या ये आग्रह की भी आवश्यकता नहीं कि नहीं नहीं वो तो जब दिखाई देगा तो बाहर ही नहीं। आनंद यही है कि वो अंतर्यामी भी है बहिर्यामी भी, और जब जैसे देखने में आनंद आए वैसे देख लीजिए। तो मानो जब सीता जी ने अंतर्यामी श्री राम की पूजा की तो बहिर्यामी जो कथा कुंज के भगवान थे उनको लगा कि लो अब यहाँ तो अंतर्यामी नहीं प्रिया सीता एक आकार हो गई, और तब मानो प्रकट शब्द था तुलसीदास जी ने पहले वहां पे लिख सकते थी कि लता भवन को लता कुंज को तो वो हाथ से अलग करके निकले। कवियों ने इसी शब्द का प्रयोग किया, पर गोस्वामी जी ने उसके लिए शब्द लिखा लता भवन से प्रकट, भगवान लता भवन से प्रकट। ये प्रकट शब्द जो है भक्ति सिद्धांत का एक शब्द है। पहले श्री राम जब अयोध्या में जब कौशल्या अम्बा के माध्यम से उनका जन्म हुआ तो भी गोस्वामी जी ने प्रकट शब्द का प्रयोग किया, वह प्रकट कर पा रहा दीन दयाला कौशल्या अधिकारी। तो जो भगवान थे वो प्रकट, पहले भगवान कहाँ थे, पहले कहा भगवान गर्भ में आए, जागरण से हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से सारी अयोध्या में सुख और संपत्ति का साम्राज्य, तो
पहले धर्म में नहीं देखा? चार दिन से हरि धर्म ही आए तो क्या भगवान पहले नहीं देखा? अगर सर्वव्यापी ही ईश्वर है तो गर्व में भी तो सदा सदा से रह रहा हो। परमानंद अभिप्राय यह है कि गर्व में होना बात और है, ईश्वर का होना बात या ईश्वर का होना है सैद्धांतिक सत्य, और उस होने की अनुभूति जो है वही हमें आनंद देती है। किसी वस्तु का होना हमारे लिए क्या कल्याणकारी नहीं जब तक उस होने का अनुभव हमें न हो। क्यों कह सकते ईश्वर भले ही रहा वो सर्वव्यापी और गर्व में भी वो सात्विक रूप में रह रहा हो, पर भावनात्मक जगत में तो ऐसा अनुभव हुआ कौशल्या जी को कि मेरे गर्व में बालक आ गया, वो आनंद की अनुभूति। और उसके पश्चात मतलब कौशल्या माँ के गर्भ से कृष्ण रामनवमी को जिसको रामनवमी रामनवमी कहते हैं श्री राम आते तो वो गोस्वामी जी के सामने प्रश्न था कि वो उसका जन्म लिखे कि बालक प्रकट होना चाहिए। तो संसार के बालकों का जो जन्म होता है ईश्वर का जन्म होता है क्या? और तो गोस्वामी जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। गोस्वामी जी ने कहा वस्तुतः तो वो अजन्मा है, उसका जन्म होता ही नहीं, जो जन्म लेता है उसकी वृद्धि होती है, यह सृष्टि का ध्यान है। और इसलिए उस दृष्टि से विचार करके देखें तो यही दिन राम जन्म श्रुति का मई वहां पर सूत्र हुई, वो जन्म तिथि जो है तो भगवान को सर्वत्र सर्वदा प्रत्येक काल में विद्यमान, पर एक तिथि विशेष में हम ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करते हैं कि आज भगवान का जन्म हुआ। आप मंदिरों में जाते हैं, अपने घरों में रामनवमी का उत्सव करते होंगे, और क्या करते हैं? पर्दा सामने लगा दिया, पर्दा सामने लगाने के बाद भगवान के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है, और जब 12 बजे तो आपने गाना प्रारंभ कर दिया प्रकट कृपाला दीन दयाला। उसका अभिप्राय की जो सर्वदेश में है जो सर्वकाल में है उसको देखने के लिए व्यक्ति एक देश में एक काल में उसको देखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी समस्या यह है कि वो एक देश और एक काल में ही उन्हें देखने में सक्षम, उसके लिए और कोई उपाय। तो इसलिए एक बार भगवान जब कौशल्या जी के लिए प्रकट हुए तो कितना सुंदर शब्द है, पहले गर्भ में थे, गर्भ के पश्चात जब भगवान प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने लिखा कौशल्या कौशल्या का हित करने वाले श्री राम प्रकट हुए। और जब स्तुति पूरी हो गई तो गोस्वामी जी ने दोहा लिखा विप्रथे नुसुर संत हित लीन मनी अवतार, ब्राह्मण के लिए गायों के लिए देवताओं के लिए संतों के लिए भगवान ने जन्म दिया। कैदियों का आहित करने के लिए भगवान ने जन्म दिया, जल दृष्टि से बहुत चिंतन व्याप्त हो गया है। तो भगवान आहित तो किसी का नहीं कर सकते न करना चाहते हैं, वो तो अंगद को भी दूध बना के भेजते हैं, तो अंगद से यही कहते हैं कि ध्यान रखना ये रावण से बातचीत करते हुए रावण का विनाश मुझे अभीष्ट नहीं है, काल हमारा था सुबह तो हुई, रावण का भी होना चाहिए। उसको क्यों कह सकते हैं कि भगवान तो सबका हित करने के लिए ही, पर उसका क्रम यही है कि अगर हम उन्हें हितैषी के रूप में माने तब न, रावण का हित भले ही वो चाहते हो तो रावण का उनको मानता है कि हमारे ही देश लिए क्या। तो मानो सूत्र हुआ है कि जैसे भगवान कौशल्या जी की भक्ति भावना से प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद संसार के समस्त लोगों का हित भगवान के द्वारा हुआ, इसी प्रकार से जनकपुर में भी अभी भगवान थोड़ी देर पहले नहीं दिखाई दे रहे, सारा रहे नहीं मिल रहे, एक ने देख दिया तो भी नहीं मिल पा रहे, और अब लता भवन से प्रकट लता भवन से प्रकट हो गए। इसका अभिप्राय की
अब वो जो श्री राम लता भवन से प्रकट होते हैं, अब बड़ी अनोखी स्थिति, सीता जी नेत्र मुदे हुए ध्यान में डूबी हुई, श्री राम से उनका निर्यात का वहां पर मिलन संपन्न हो रहा है और बाहर लता कुंज से निकल करके श्री राम खड़े, गजियों ने जो दृश्य देखा तो सीता जी की तबीयत जो है वो तो बड़ी भावमयी है। एक सखी ने जो शब्द था बड़ा मधुर था, गौरी गौरी कर ध्यान करे हो, सावधानी ये नहीं कह दिया कि आप श्री राम के ध्यान में डूबी हुई है। अच्छा अच्छा लगता है कि पार्वती जी का पूजन करने के बाद अब भी उन्हीं के ध्यान में डूबी हुई, नहीं नहीं अब गौरी जी का ध्यान छोड़ दी, क्या बोले गौरी गौरी कर ध्यान करे हो, मुख किशोर देख के मिले, पार्वती श्रद्धा वही है और उनके दर्शन का बल तो प्रमुखा दर्शन है, वो सामने खड़े हैं और अब भी आप उन्हीं के ध्यान में डूबी हुई नहीं है। और तब वो तबील ने रस्ता पूछी, सीए सब नैन उठाए, श्री सीता जी ने बहुत संकोच में भर करके अपने नेत्रों को थोड़ा थोड़ा और खोलने के बाद गौतम जी की जो एक अपनी भाषा है उसका आनंद है। जब सीता जी हृदय में ले आई थी जैसे श्री राम और लक्ष्मण दोनों थे, पर हृदय में केवल श्री राम को लाई, लोचन मगरा में उड़े आई, और जब उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो उनके सामने रामी सब कौन है, और इस कर्मों को दो रघु सिंह ने आ श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी को भी देखा। उसका अभिप्राय क्या है, ये भक्त ये कहता है कि आप उनके ध्यान में डूब जाए वो तो आपके लिए कठिन नहीं है, आप तो उनसे एकाकार ही है, उनके उनमें सदाकार ही है, लेकिन कठिनाई ये है कि आप दोनों जब एकाकार होती तो हम बच्चों पर कैसे दृष्टि पड़े, इसलिए आप नेत्र खोल करके देखेंगे तो ब्रह्म नहीं जीव को भी तो आप अपनी कृपा दृष्टि से अपने वात्सल्य से देखेंगे। स्वाभाविक है कि सीता जी ने जब नेत्र खोल करके देखा तो श्री राम के प्रति अगर उसने प्रेम की पराकाष्ठा है तो लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य की पराकाष्ठा है, मानो ईश्वर के साथ साथ जीव भी धन हो गया। उसके बाद सखियों ने वर्णन किया, पर गोस्वामी जी ने अब वो मनोर सूत्र लिखा, क्या पहले तो सखियां ले आई दर्शन के लिए, ले आने के बाद लता कुंज में दर्शन कराया, जब वो नेत्र मुख करके ध्यान करने लगी तो नेत्र खोल करके देखने के लिए संकेत किया, लेकिन जब श्री राम को देखने लगी तो देश काल की सुध जाती रही, मैं कहा हूं कैसे खड़ी हूं और वो क्या मर्यादा होती है, अब वो मर्यादा की स्थिति में नहीं। वो गोस्वामी ने लिखा वो जो शब्द है बड़ा, जब तक बुद्धि है तब तक मर्यादा का पालन, लेकिन अब जो स्थिति है वो बुद्धि से पालन। और सखियों ने जब सीता जी को देखा तो लगा क्या, जब उसकी सखी प्रेम वर्ष जाने कहा आपको पूरी तरह से प्रेम रस में एकाकार हो रही है, प्रेम रस में डूब रही है। इसलिए याद रखिए ये सखियों ने जब धनुष टूटने के बाद सीता जी से ये कहा कि आप जरा उनके चरणों का स्पर्श तो कीजिए, प्रणाम कीजिए, तो सीता जी ने प्रणाम नहीं किया, मानो सखियों के लिए बुलाना था, पहले तो कहती हो देखिए और पर देखने में तुमको डर लग लेगा कि कितने देर देखती रहेंगी, लेकिन होता है ना बच्चों को कभी कभी लोग सत्संग में ले तो जाते और आदमी जाने लगे तो डरने भी लगते, यही ऐसा तो नहीं है कि साधु वाधु हो जाएगा, तो मैंने हम चाहते हैं कि नहाए तो पर किनारे से लौटने से ही नहा करके आनंद ले ले, क्योंकि भीतर नहाने के बाद नहाने उसे और डूब जाए तो क्या होगा। तो वो मानो सखियां जब अनुभव करती है कि सीता जी तो डूब गई, अब उनको लगता है कि अब उनको सीता जी तो प्रेम की स्थिति
जिंदगी में मर्यादा माता पिता सबको भूल चुके पर सखियां मानो सीता जी ने कहा कि तुम पहले तुमने नेत्र खोल करके देखने के लिए बातें की और जब मैं प्रेम अर्पित हो गई तो तुम्हें चिंता सताने लगी कि ये माँ क्या कहें और तुम्हारे कहने से अगर मैंने चरण पकड़ लिया और पकड़ने के बाद छोड़ने का मन न हुआ तो चिंता हो जाएगी कि अब ये भी तो बहुत विलंब हो रहा है सभा में अब तक चिंता चरण पकड़े रहेगी इसलिए सखियों की बात उन्होंने स्वीकार ली पर सखियां व्यवहार में की है दोनों को प्रेम और व्यवहार दोनों का आनंद लेना चाहती है और तब सखी ने तुरंत और सब कहा सभी था क्या किया जाए वो तो प्रेम रस में कलाकार है ध्यान जब आप करेंगे तो पहले शरीर का भी ध्यान मान होगा काल का भी ध्यान होगा पर ध्यान की पराकाष्ठा कर आप ध्यान करने बैठे हैं और सारी बातें उस समय भी आपके ध्यान में है जितने बजे जाना है ऑफिस जाना है इतना कार्य करना है और उस समय भी क्या क्या करना है इसका चिंतन कर ले रहे लगे ये कोई ध्यान को नहीं ध्यान की स्थिति तो वह है कि जहाँ पर कुछ समय के लिए बिल्कुल रंज मात्र काल और शरीर का कुल भान और वही स्थिति सीता जी की है और सब वो सभी बड़ी भावुक उनको लगा ये सीता जी से ये कहे कि माता जी रुष्ट होंगी विलम्ब हो देर कर रही है आप चलिए नहीं तो माँ क्या कहेगी तो उन्होंने कितनी मधुर भाषा का प्रयोग किया एक सीता सब बोली गई पानी एक सखी ने सीता जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहा तुम्हें आओ मेरी बिरिया खा ले कल फिर आवेंगे मानो वियोग में भी संयोग की आशा दिला करके उठे जी फिर आनेंगे और तब सीता जी व्यवहार की भूमि में आती इसका फिर कहे कि आप ध्यान करने का अभ्यास करें तो अभ्यास करते तुम्हें वो स्थिति आपके सामने आ सकती है ध्यान में ये बात भी व्यक्ति व्यवहार में तो आता ही है रहता ही है तो मानो यहाँ ध्यान की पूरी प्रक्रिया है कैसे ध्यान करना चाहिए अब सीता जी के समाज सामने भगवान राम खड़े हैं आप चाहे तो भगवान का कोई चित्र रख सकते हैं और चित्र के में भगवान का दर्शन करके फिर अपने भाव में उठते आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जिनका हम दर्शन कर रहे हैं उनको नेत्र मार्ग से हृदय में ले आ रहे हैं ये जो साधना और पूजा की प्रक्रिया है उसमें यही होता है और उसमें यही है कि जब पूजन करते हैं तो ये मानते हैं कि हृदय से निकल करके भगवान बाहर बैठे पूजन पूरा होने के बाद ये भाव बनाया जाता है कि भगवान जो है बाहर से फिर से भी बाहर ये सब ध्यान की प्रक्रिया पूजा की प्रक्रिया का विधान और उसका अभिप्राय है कि इस प्रक्रिया के बाद वो ध्यान की स्थिति जिसमें देशभाव ध्येय ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों अलग अलग नहीं रह गए तीनों मिलकर एक हो गए और उसके बाद व्यवहार की भूमि में प्रक्रिया चतुर है चतुराई बुद्धि का धर्म है तो ध्यान तो मन से किया जाता है और बुद्धि का कार्य है संसार के द्वारों के विषय में भी व्यक्ति को सचेत करना पर सचेत करने में भी भावना की रक्षा करते हुए और जब उन्होंने प्रेरणा किया तब सीता जी मानो ध्यान और दर्शन की भूमि से निकल करके व्यवहार की ओर लगी और ये हम सबके लिए बड़ा उपाय है जब ध्यान करें तो किस तरह बुझे और निकलने के बाद अगर हम त्योहार में भी चले तो चलने की कला सीता जी ने सिखा दिया और वो कला यही थी कि सखियों के साथ जब जाती है तो देखा न मित्र मृग विहीन स्वरूप पहले सीता जी ने किया
श्री राम को हृदय में धारण करके जा रही है, भीतर भी श्री राम है और लौट लौट करके मृत्यु के बहाने से, मृगों के बहाने से, पक्षियों के बहाने से भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। यह है मानव सूत्र। अगर हम चाहे तो जिसका हमने ध्यान में दर्शन किया हम फूलों के द्वारा भी उसको देख सकते हैं, पक्षियों के द्वारा भी उसको देख सकते हैं, मृत्यु के द्वारा भी उसको देख सकते हैं। आप देखें बड़ा सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ, गुलाब का फूल सुंदर है इतना ही अगर आप देखेंगे गुलाब की सुंदरता दिखाई दे। गुलाब का फूल देख करके आपको लगे यदि इस व्यक्ति ने तो इस गुलाब के फूल का निर्माण नहीं किया, रंग में जैसे वस्त्र व्यक्ति डालता है जिस तरह से रंग नहीं, ये रंग ये सुगंध ये फूल का जो आनंद है कहां से आया, और तब आपको ईश्वर की याद आ जाएगी। लगता है पता नहीं कब आकर के उसने कुछ को रंग दिया, उसमें सुगंध भर दिया, उस प्रकार से प्रकृति के सर्वत्र वस्तुओं में भगवान का दर्शन करते हुए जब हम व्यवहार में चलते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया का जो परिणाम है वो इस रूप में दिखाई देता है जैसा वैद्य ग्रंथ चिता के चलते। और प्रतिकूल परिस्थिति के संदर्भ में जो कल अंत में बात कही जा रही थी, लंका में भी वे ध्यान नहीं करती, और लंका में तो ध्यान ही उनके लिए सबसे बड़ी वस्तु है। बाहर तो जब वे नेत्र खोल करके देखेंगे तो बड़ा खुशियां दिखाई देंगे, ब्राह्मणों के सामने आकर के उनको अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए श्री सीता जी जो ध्यान कर रही है, आप में से जो कल आज बहुत नए लोग हैं, तो ध्यान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूत्र है प्रार्थना। प्रार्थना का अभिप्राय कि मन को, मन से मन में जो अनेक अनेक चिंतन है वो निकालना है, मन में भगवान को लाना है, मन पर हमारा अधिकार हो नहीं पाता, तो हम प्रार्थना के द्वारा भगवान से निवेदन करें कि प्रभु हम चाह करके भी अपने मन को वश में करके आपका ध्यान नहीं कर पाते हैं, आप ही कृपा करके मेरे हृदय में अपनी दिव्य शांति का दर्शन करा दे। तो ध्यान के साथ अगर आप प्रार्थना जोड़ेंगे, योग की पद्धति की बात मैं नहीं कर रहा, योग की साधना का जो ध्यान है वो दूसरे प्रकार का, पर भक्ति साधना में जो ध्यान होगा ध्यान के साथ प्रार्थना उसमें अवश्य जुड़ी होगी। वो भक्त भगवान से ही कहेगा मेरो मन हरि जो हट न सजे, निश्चित नाथ ने मुझे कहो मिली करत स्वभाव निजे, ओ हो हारो हरि जतन विवेद दिली अतिशय प्रबल अजय तुरसदास बस होई सबई जब प्रेरक प्रभु पर गए। प्रार्थना के बाद आप ध्यान करने बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप बोले खाने का यह सीता जी के चरित्र में अभी कथा श्रवण था, व्याकुलता थी और भगवान श्री राम का दर्शन और ध्यान। लंका में एक वस्तु और बड़ी कई लाखों में से वर्तन जो आए होंगे वो जानते होंगे जो बात कही गई थी कि आप कितना भी सुंदर भवन बनवा ले लेकिन अगर उसमें द्वार न हो क्या, चाहे जो चला आवे चाहे जो कुछ करके लूट करके चोरी करके चला जाए, बाहर हमको द्वार की बड़ी चिंता होती है और मन में हम द्वार लगाते हैं, मन का द्वार तो खुला हुआ है, चाहे जब तो पूरे से पूरा व्यक्ति अंतःकरण में भाव बैठ जाता है। ध्यान क्या है, द्वार जो जन्म ग्राम में उड़े यानी तीनों पलक कपाट से यानी, तो वहां तो द्वार की आवश्यकता ही है, वहां आवश्यकता इसलिए है कि जो भीतर आ गया वो बाहर न जाए, और लंका में पवन की आवश्यकता है कि बाहर वाले भीतर ना जाए, और बाहर वाले भीतर ना जाए तो एक बस और जोड़ दीजिए साथ किवाड़ आप लगावे तो किवाड़ के साथ ताला और लगा देते हैं, और किवाड़ और ताले के साथ और भी सुरक्षा हो तो मजेदार रख देते हैं, मजेदार और ताला और किवाड़ को मिश्रा में तो केवल किवाड़ है ताला है, लेकिन लंका में जब सीता जी बैठी हुई
بدوار اور مالے کے ساتھ ساتھ پہرے دار بھی اور پہرے دار کون نام باہر دیوسنی بھگوان کے نام کا جپ ضرور کیجیے اگر لنکا میں بیٹھے ہوئے تو یہ تو دو پرکار کا دھیان پرارتھنا اور دھیان اور نام جپ چنتن اور دھیان یہ دو پدھتی اور دھیان کی ایک پدھتی وہ ہے جس کا سمبندھ یوگ مارگ سے یہ جو دھیان کی پدھتی ہے اس کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے یوگ آج کل یوگ کا بڑا پرسار ہو رہا اور بہت یہ کہنے میں لوگ گرو کر لوگ کرتے ہیں کہ آج کل ہم یوگا کے لیے یوگ شبد کو بھی تھوڑا بدل دیا گیا ہے یوگ کو یوگا گھر کے لوگ یوگا میں آج کے بہت جڑے ہوئے ہیں یوگا کا آج کل بھی گیا بس شریر کے لیے کیا تو بھی ایسی بات ہے شریر کی سوستھتا بھی منشیہ کے جیون میں آوشیک ہی ہے پر یوگ جس درشتی سے وچار کر کے دیکھیں تو راون جو ہے وہ بہت بڑا یوگی راون جنسن جو ہے وہ جو یہ پرتلیا جن یہ جو دھیان ہے یہ بھاؤ جن اور دوسرا جو یوگ کے دوارا اور یوگ کے دوارا جو دھیان کیا جاتا ہے اس کا اگر ادیش آپ کا بھگوان کو پانا ہے اور رس پانا ہے تب تو دھیان کی پدھتی ہے اور اگر آپ کا ادیش ہے من کی اور میں انیک شکتیوں کا ودے کرنا تو شکل پانے کے لیے وہ پدھتی ہے جس کو وہاں پر ایشور بھکت یا پریم کا اتنا مہتو نہیں ہے جتنا ایکاگرتا کا مہتو ہے اب اس یوگ کے لیے ایشور کا بھکت ہونا آوشیک ہے اس کے لیے تو آپ چاہے شری رام کا دھیان کریں اور رام کا دھیان نہ کریں تو دیوال میں کالا بندو بنا دیجیے کہ لوگ اس کا دھیان کرتے ہیں اگر یوگا کے ایکاگرتا لکش ہے تو وہ پدھتی ایک پدھتی ہے اور اس کو ہم بہت وسار سے اس کے نروپن کی آوشیکتا نہیں ہے یوگ شاستر ہے اور آگم شاستر ہے منشیہ کے شریر میں سٹ چکروں کی دھارنا بتائی اور وہ سٹ چکروں کی دھارنا میں جو مول چنتن ہے وہ یہ ہے کہ جو شکتی ہے وہ مول آدھار میں وجمان اور شیو جو ہے چاہے ایشور چاہے شیو جو ہے وہ شاستر میں سر کے اوپر ایک ہزار رنگ کا کمل ہے اور اس میں ایشور وجمان تو سادھنا کی پدھتی ہے کہ کرمتا جو ہے وہ جو شکتی نیچے ہے اس کو جگانا اور جگا کر کے دھیرے دھیرے دھیان کرتے کرتے کیوں جو ویکتی ان چکروں کا ویدن کرتے ہوئے انت میں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ بتاتے ہیں کہ اگر ویکتی جو ہے مولا دھار سے اٹھ کر کے اگلے چکر سے اگلے سے دوسرے چکر سے تیسرے سے وہ بتاتے ہیں کہ اس منشیہ کے جیون میں کون کون سے شکتی کون کون سی شکتیاں اور کون کون سے چمتکار آ جاتے ہیں وہ آج کل کچھ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کنڈلنی دو منٹ میں جب جانے والی بات ان کو ٹھیک نہیں ہے اب جن کو لگ رہا ہے کہ ان کی کنڈلنی جب گئی ہے تو اس کے لیے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ایک سچے ابھی مجھے آئے بمبئی میں ملے انہوں نے پستکا مجھے دی میں نے لے لیا سے بڑی بات کیا ہوگی ایشور نے لکھوایا ہے ایشور مجھ سے پڑھوا بھی لکھا تو کنڈلنی جاگرن کا ارتھ کیول یہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا آپ کو ایک نشے کا انوبھو ہو اور وہ کچھ ہو تو کنڈلنی ہی جگ گئی کنڈلنی جاگرن کی پرکریا بڑی ہے اور اس میں یہ دھیان ہے کہ جاگرن میں کیا کیا انوبھوتی ہوتی کون کون سے جگہ آتے ہیں اپنے آپ کو ہم آنند آج کا جو ویکتی ہے اس کی سب سے سمسیا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ چھوٹے مارگ کی شارٹ کٹ کی کھوج میں
कैसे उसको एक क्षण में ब्रह्म का दर्शन हो जाए और कुंडली भी जागृत हो जाए और समस्त विलक्षणताएं आ जाए, तो जिन्हें ऐसा लग रहा है वह के पास है। और ब्राह्मण जो है एक महान योगी, वो योगी के साथ तुलसीदास जी ने कृष्ण एक शब्द जोड़ दिया योगी के पहले, योगी तो है पर योगी न होकर के कुयोगी, पुरुष कुयोगी जी में मुरगारी मोहक्त नहीं सुखी हो पाई। दूसरा लिखा है कि जो लोग शक्ति का संग्रह करना चाहते हैं उनके लिए भी ध्यान बड़ा उपयोगी, ध्यान करने से मन में शक्ति आती है, अनेक विशेषताएं उनका उदय होता है, ध्यान खुल पड़कर बचते हैं। और ब्राह्मण की समस्या ये है, भक्त जब भगवान का ध्यान करता है तो ध्यान रस के लिए होता है। आपने पढ़ा होगा जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि कथा सुनाइए, तो शंकर जी ने सबसे पहले क्या किया, ध्यान किया। आप कथा मेहनत से देखते होंगे, कथा के प्रारंभ में वक्ता ध्यान करता है, नेत्र मूंद लिया वो क्या करता है वो जाने हुई, लेकिन लगता यही है कि ध्यान कर रहा हूं। तो ध्यान करने का उद्देश्य क्या होता है, वो ध्यान करने का उद्देश्य गोस्वामी जी बताते हैं कि शंकर जी ने जब पार्वती जी का प्रश्न सुना तो प्रश्न सुनते ही बस श्री रघुनाथ स्वरूप बुझावा और परमानंद बस भगवान राम से हृदय में आ गए, जाने का प्रयास नहीं करना पड़ा, फिर उसे मार और तब वहां ध्यान के लिए ध्यान के साथ तुलसी सरदास जी ने शब्द जोड़ा। ये जो योगियों का ध्यान है वो रस के लिए नहीं, रस का लक्षण है, रस तो ज्ञान है समाधि है या केवल शक्ति पर अधिकार पाना। और भक्ति का उद्देश्य शंकर जी कथा करने जा रहे, कथा करने में पहले ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, तो सुंदर शब्द है यही कथा तो बहुत मधुर, और उसमें मधुरता दो वर्ष जैसे कोई व्यक्ति किसी ने गोस्वामी जी से कहा आप लोग राम राम की महिमा तो बहुत गाते लेकिन हमें तो राम राम में मिठास का अनुभव नहीं, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, किसी ने सुन लिया कि बेसन का लड्डू बड़ा स्वादिष्ट होता और स्वादिष्ट होता है, गणेश जी को भी प्रिय है हनुमान जी को भी प्रिय है, तो बाजार से दो मोदक खरीद करके मोक लगाने वाले बहुत खुश थे, अरे मोदक जो है उसका बनाना कोई खिलवाड़ है क्या, वो मोदक हनुमान जी को प्रिय है, बच्चे तो यही मानते हैं कि भाई हनुमान जी को हम इतना मोदक चढ़ा देंगे तो परीक्षा में पास कर देंगे, चलिए उनका मानना भी ठीक है, वो बच्चे है उससे उनको प्रसन्नता होती है। और गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि राम राम में मिठास क्यों नहीं आती, तो उनका भी मोदक के लिए शुद्धगिरी चाहिए, बेसन चाहिए, पर बेसन और घी के साथ साथ जितनी वस्तु और थी और वह मिठास शीरा चीनी, तो उन्होंने कहा कि रा और म दो अक्षर जो है वो तो अनुशुद्धगी और बेसन की तरह, और उसमें थोड़ा रस भी तो मिलाइए, उनका राम नाम मोदक बने सुधा पाके, राम नाम के लड्डू में जब स्नेह का जीरा आप डाल देंगे, स्नेह की मिठास मिला देंगे, और वैसे राम नाम लेना एक अलग बात है, और स्नेह पूर्वक जिस समय कोई व्यक्ति नाम लेता है वो नाम बड़ा रसमय प्रतीत होता है। गोस्वामी जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति स्नेह के रस में स्नेह की मिठास में राम राम को डुबो करके वो जब करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका ऐसा पेट भरता है, पेट भरने का कई लोग बेचारे दर दर मांग करते हैं अभी पेट नहीं भरा नहीं भरा, संसार में अधिकांश लोग भटक रहे हैं पेट भरने, पर वो स्वामी जी कहते हैं जिस दिन राम नाम का ये मोदक तुम खा लोगे उसका परिणाम होगा राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागे है बाई परितोष दून द्वार द्वार पागे, तब तुम्हें इतनी तृप्ति मिल जाएगी, इतना संतोष मिल जाएगा कि द्वार द्वार भटकना नहीं पड़ेगा।
ब्रह्म का निवास मानो सिर पर है,
और सुरक्षक के भेदन के बाद दोनों का मिलन रावण की प्रक्रिया होती है। वो ध्यान के द्वारा शक्ति को पाना चाहता है और शक्ति को ब्रह्म से मिलने नहीं देना चाहता, जिससे सीता जी और श्री राम को वो अलग किए हो। और ये जो वर्णन आता है कि रावण के नाभि में अमृत कुंड था, तो षट चक्र में मूलाधार के बाद जो स्थानों में से एक चक्र जो है वो नाभि से जुड़ा हुआ है। और जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा रावण क्यों नहीं मर रहा है, तो रावण विभीषण जी ने यही कहा कि नाभि कुंड पीयूष मध्या के जमीन में भी गड़ करके संभाल लेते हैं और वो सारे विश्व में घूम भी आए हैं। उनसे मैंने अंत में पूछा कि आप जब ध्यान करते हुए समाज में चले जाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? और उनका जिले की कोई अनुभूति नहीं होती है। ये तो अभ्यास जन्य प्रक्रिया है कि किस तरह से रस नाड़ी को हम अपने वशीभूत करके प्राण की शक्ति और श्वास की आवश्यकता है उसको कम करते जाए और कम करते हुए उस समय के लिए हम उससे मुक्त हो सके। वो भी उनके बड़े चमत्कार है, उनको देखने के लिए भी टूट पड़ती, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया किसी ईश्वर का दर्शन मुझे समान में। तो रावण जो है, ये जो रावण के नाभि में अमृत कुंड है उसके ध्यान का चमत्कार, ध्यान की शक्ति उसमें जो करता है पूरे एकाग्रता से करता है, तन्मयता से करता है। और उसके लिए तो वर्णन आता है कि जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जगाने के बाद सुनाया तो कुंभकर्ण ने बहुत फटकारा रावण को, पर अंत में रावण से कहा कि जब तुम इतना बुराई में आगे बढ़ ही गए थे तो तुम राम का नकली वेश बना लेते। तो नकली वेश कोई ऐसा बोले कि कोई वस्तु लगा के नकली वेश बनाते, मन की एकाग्रता जो रूप चाहिए मन में इतनी शक्ति आ गई कि बड़ी उपहास में दिखाई देता। रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि तुम सोचते हो कि मैंने उपाय नहीं किया, मैंने ये सोचा कि सीता के सामने मैं राम का रूप बना करके जाऊंगा, पर राम का रूप बनाने के लिए राम का ध्यान तो करना ही पड़ता, और जब मैं राम का ध्यान करने लगा तो मेरा हृदय इतना शुद्ध होने लगा, मुझे डर लगा कि थोड़ी देर और ध्यान करूंगा तो साधु हो जाऊंगा। इसलिए परम परम कितनी एकाग्रता की क्षमता रावण में है, आप विचार कीजिए। और उसकी समस्या भाई राम को सीता से मिलने नहीं देना चाहता, वो कहता शक्ति और ब्रह्म का मिलन नहीं, शक्ति मेरे अधिकार में होनी चाहिए, शक्ति को ब्रह्म से मिलाने की क्या आवश्यकता है? तो वो हृदय चक्र में सीता जी का ध्यान करता है और सीता जी के चरणों से वो अमृत रस प्रवाहित होता है, वही उसके नाभि कुंड में एकत्र है। और बस सीता से जब सीता जी ने पूछा रावण क्यों नहीं मरता, सीता ने यही कहा कि देवी समस्या है कि निरंतर रावण आपके ध्यान में डूबा रहता है और कोई साधारण ध्यान तो नहीं होता, हम लोग को तो मच्छर काट दे तो ध्यान में बाधा पड़ती, पर कितने बाणों की वर्षा हो रही है, कितने बड़े बड़े घाव लग रहे हैं, पर सीता जी का ध्यान एक क्षण के लिए भी नहीं छूट रहा, इतना प्रबल उसका एक आक्रमण होगा कि आप हो रहा है विनाश, हम पत्र रहे हैं। रावण ने बताया प्रभु की समस्या ये है कि रावण को हर क्षण आपके ही ध्यान में डूबा, और रावण का दुर्भाग्य ये है कि अगर वो ये सोचता कि जिनके ध्यान में मैं डूबा हूं
Thank you.